बात साल 2007 की है, जब मुंबई में एक घोटाला हुआ। चौल में रहने वाले लोगों से कहा गया कि अगर वो अपना घर दे दें तो उन्हें पक्का फ्लैट मिलेगा। भोले भाले लोग ऐसा कर देते हैं, बेघर हो जाते हैं। ये कहानी मुंबई के पतरा चौल के लोगों की है, जो इस समय बहुत बुरे हालात में जीने को मजबूर हैं, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं करता। हंगामा उस नेता की गिरफ्तारी पर होता है जिसकी पत्नी पर इस घोटाले की रकम से फ्लैट लेने का आरोप लगता है। यही इस देश की विडंबना है। वो नेता संजय राउत हैं, जिन्हें 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। पॉलिटिकल सर्कस चल रही है और जो भी इस राज्य में चल रहा है वो डेमोक्रेसी को पकड़ के लिए वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, ही हैज द सपोर्ट ऑफ हिज पार्टी। उनके साथ जो कर रहे हैं वो गलत है, व्यक्ति है। क्योंकि टारगेट किया गया, मतलब ईडी है वो राजनीतिक उद्देश्य के लिए काम कर रहा है। ईडी का दुरुपयोग हो रहा है और वो दुरुपयोग हो रहा है कि विपक्षी नेताओं को टारगेट करते हैं। पतरा चौल घोटाले में शिवसेना नेता संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली से मुंबई तक सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। नौबत आ चुकी है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी को वक्त आने पर सबक सिखाने की खुलेआम धमकी दे रहे हैं। शक्ति का उपयोग किया जा रहे हैं और अगर ऐसे ही आपका तरीका होगा तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जमाना एक रहता नहीं, सारे लोगों के लिए दिन जो है बदलते रहते हैं। अच्छे दिन बुरे दिन, अच्छे दिन कब आएंगे वो बात अलग थी, लेकिन ऐसे लोगों के बुरे दिन तो जरूर आते हैं और आप जैसे बर्ताव उस वक्त अन्य लोगों के साथ करते हो शायद उससे बुरा बर्ताव उस वक्त जनता आपके साथ कर सकती है। लेकिन पतरा चौल के उन 672 लोगों का क्या, जिन्हें फ्लैट का सपना दिखाकर बेघर किया गया था? शारदा भंडारी भी ऐसे ही लोगों में शामिल है जो न जाने कितने सालों से खून का घूंट पीने को मजबूर है। इनकी कहानी आज आपको भ्रष्ट नेताओं और धोखेबाज बिल्डरों के गठजोड़ को करीब से जानने का मौका देगी। आपका भी मकान था जो अभी तक आपको मिल नहीं पाया, इतनी मुसीबतें हो गई हैं आपको। कभी सोचा था ऐसे हालात हो जाएंगे आपके? कभी आपने घर छोड़ा पाता चल, कभी छोड़ा आपने? और साथ में ही हम लोग ने छोड़ा 2008 में। अभी 2022 हो गया, अभी लगता है कि काम होगा, घर मिलेगा आपको? थोड़ा थोड़ा तो काम शुरू हो गया उधर। काम शुरू हो गए लेकिन बोल रहे जनवरी से, बोल रहे थे कि देंगे करके, लेकिन अभी तक दिया नहीं है। ईडी की गिरफ्त में आने से पहले संजय राउत की भगवा सियासत तो सभी ने देखी, जैसे उनका भगवा पट्टा लहराना, समर्थकों को विक्ट्री साइन दिखाना। लेकिन पतरा चौल से बेघर कर दिए गए सैकड़ों परिवारों का क्या होगा जो 15 साल से अपने आशियाने के लिए भटक रहे हैं? मुंबई का गोरेगांव वेस्ट, जहां कभी अलग अलग चौल हुआ करती थी, कभी यहां पर फलते फूलते आशियाने थे जिन्हें बड़े बड़े सपने दिखाकर लूट लिया गया। लेकिन आज तक संवाददाता पंकज उपाध्याय आज आपको इन अधूरे फ्लैटों की पूरी कहानी दिखाने वाले हैं। पहली बार आज आप उन चेहरों से रूबरू होने वाले हैं जिनके हक की लूट का हिस्सा दावा है संजय राउत तक पहुंचा। सैतालीस एकड़ में बसे इस इलाके में कभी 672 घर थे। उत्तरी मुंबई का ये उपनगरीय इलाका खुशहाल था। टिन के चादर वाली चौल में रहने वाले लोगों को ऐसे सतरंगी सपने दिखाए गए कि वो कुछ समय के लिए अपने छत को भूल बेबस जिंदगी जीने को तैयार हो गए। लेकिन लाखों सपने सजोने वाले इन भोले भाले लोगों को अभी तक इस जमीन पर अपना आशियाना नहीं मिला है, लेकिन इस धोखे ने इनकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। कभी खाना होता है, कभी खाना नहीं होता। नहीं, जो कोई मतलब में काम करते उधर खाना देते हैं वो लोग थोड़ा वो खाते हैं, तो हम लोग पानी बिस्किट खा के दिन चलाते हैं। कितने समय से ऐसा कर रहे हैं? अच्छी सर। बात 15 साल पुरानी है
तब 15 चौल में 500 से ज्यादा परिवार रहते थे। इस जमीन पर महाडा यानी महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को फ्लैट बनाकर वहाँ रहने वाले लोगों को देने थे। इसके लिए GACPL यानी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी से करार हुआ। इस कंपनी के साथ हुए समझौते के अनुसार इस जमीन पर 3000 फ्लैट बनने थे। इसमें से 672 फ्लैट वहाँ चौल में रहने वाले लोगों को दिए जाने थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़ी बात यह है कि फ्लैट बनाने वाली कंपनी को जमीन बेचने का अधिकार नहीं था। फिर भी आरोप है कि GACPL ने समझौते का उल्लंघन करते हुए जमीन को 9 अलग अलग बिल्डर्स को बेच दिया। इससे उसे 901 करोड़ रुपए मिले। बाद में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने मिडोज नाम से एक और प्रोजेक्ट शुरू किया और घर खरीदारों से फ्लैट के लिए 138 करोड़ रुपए जुटाए। इस तरह जांच में आया कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने गैर कानूनी तरीके से 1039 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। तो आम लोगों को ठगकर बिल्डर ने भ्रष्टाचार किया, जिसकी एक खेप सियासी नेताओं तक भी पहुंची। लेकिन पतरा चौल में रहने वाले लोगों ने सब कुछ गवा दिया। इस मुश्किल वक्त पति का साथ छूट जाने से शारदा जैसे लोगों के लिए जिंदगी दुश्वार हो गई। कोई कुछ नहीं कर रहा, खाली वोट देने के लिए आगे आते लेकिन कुछ नहीं करते। तो आपको लगता है ये सब बैड लक था जिसकी वजह से हो गया है, आप लोग पिस गए इस राजनीति के बीच में? बैड लक ही है हम लोग के लिए, पत्रचार के लिए, सब लोग के लिए बैड लक है। सब लोग ने अपना दागिना बेच के सब लोग घर ही कर रहे। अभी तो दागिना भी नहीं है तो लोग मर रहे भी है। इसे शारदा को ये सब इसलिए भी देखना पड़ा क्योंकि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन वादे के मुताबिक उन्हें किराया भी नहीं दिया, जिसका भरोसा उन्हें खोली खाली करते वक्त दिया गया था। लेकिन दावा है कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने आम लोगों को बार बार ठगा और नरेश सोनावाने को घर जलाने के लिए पत्नी के जेवर तक बेचने पड़े। सर कैसे करते, हमारे दोस्त लोग है, कोई पैसे वाले लोग है, वो हमको पैसा देते है, उससे घर चलता है, फिर भाड़ा लेने का है, फिर थोड़ा सोना भी ना था, हम लोग सब बेच दिए। अभी सब बहुत तकलीफ हो रहा है। अभी आओ लाओ पैसा किधर से, भाड़ा किधर से दो, घर कैसे चलो, ये टेंशन में अभी बहुत कंटल गए हमको। अभी ऐसा लगने लग रहा है मुंबई छोड़ के हमको गाँव भी जाना पड़ेगा। संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद पतरा चौल का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया, वरना इसे भुला दिया गया था। आधी अधूरी खड़ी ये इमारतें धोखेबाजी का जीता जागता सबूत बन चुकी है, जिसमें आम लोगों का पैसा फंस चुका है। पार्टी एग्रीमेंट में बता दी कोई भी चीज पूरी की गई है, कोई भी नहीं। आज लोग सड़क पे आ गए, आज लोगों को, कुछ लोगों में आपको सच बताऊंगा, आसपास के जो मॉर्गेज लोन देने वाली फाइनेंशियल कंपनी, अगर उसमें जाओगे तो सबसे ज्यादा मॉर्गेज, गोल्ड मॉर्गेज लोन पत्राचाल के लोगों ने लिया है। सुसाइड करने के मोड़ तक लोग आ गए। मिडिल क्लास लोग थे, लोअर मिडिल क्लास लोग थे, खाने के लाले पड़े हुए लोगों के, खाने के वांदे है क्योंकि भाड़ा नहीं आ रहा है, कहाँ से कर्जा निकाल के भाड़ा लेकर। चाहे खरीदारों से धोखेबाजी हो, अपने घर का इंतजार हो, बिल्डरों से जुड़ी ये समस्या सारे देश की है। खंडहरों में तब्दील इन इमारतों में आम लोगों का पैसा और देश का विकास रुका हुआ है। जो कहानी 2007 में शुरू हुई 2022 में भी अधूरी है। इस दौरान ना जाने कितनों के दिल टूटे, सपने टूटे, आस टूटी, जिंदगियां उथल पुथल हो गई, सब कुछ खो गया। लेकिन आज भी जहां पर लोगों के सपनों का घरौंदा बनना था, वहां पर तो सिर्फ खंडहर ही नजर आता है। कैमरा पर्सन राजू नामदार के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।